Thank you.
Mummy! 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 अरे नवीन, तेरा फोन बज रहा है। नवीन, नवीन, तेरा फोन बज रहा है, देखना। Thank you.
हाँ दीदी बोलो। इस वक्त तुम कहाँ पर हो? मैं ग्राउंड में हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक सीरियस प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? आपको किसी ने तंग किया है क्या? नहीं तो। तो फिर? इस वक्त कौन है तुम्हारे साथ? अभी मेरे पास मेरा फ्रेंड है। क्या? हाँ। तो एक काम करो, उसे अपने साथ लेकर समंदर के किनारे आ जाओ, वो भी इसी वक्त। वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम जल्दी यहाँ जाओ ना, यहाँ आओगे फिर सब बता दूंगी। अच्छा ठीक है। ए, चल मेरे साथ। कौन बुला रहा है? जल्दी से बाइक पे बैठ यार। तू मुझे क्यों ले जा रहा है? तेरा काम है तो तू ही जाके देख। दीदी ने बोला कि तुझे भी साथ लेकर आऊं। हाँ ऐसा है तो ठीक है, बाइक स्टार्ट कर। ऊपर वाले हमारा ध्यान रखना। अच्छा एक बात बोलूं, तू बुरा मत मानना। बोल। तू ना दीदी को थोड़ा सा समझाया कर। प्रॉब्लम में फंसना, लाठी चार्ज का होना, मिट्टी के चोरों को पकड़ना, ये सब करने के लिए इसे कौन कहता है? अबे यार वो मेरी बात कहाँ मानती है, तू जानता है ना। तो तेरी माँ से बोल देना। माँ भी उसका ही साथ देती है यार। हाँ ये बढ़िया है, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, फिर भी तू जानता है कि उसने क्या किया। उसने मुझे पुलिस से पकड़वा दिया, कोर्ट ने मुझे 2 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया। तेरी बहन है कि मुझे जिंदगी चैन से जीने ही नहीं देती। तेरी बहन है इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ, वरना तू तो जानता ही है मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है, तूने देखा ही है ना। तू जानता है ना मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। तू जब गांजा बेच रहा था तब पुलिस ने पकड़ा। तो फिर मैं क्या करूं तू ही बता। हम जैसी न्यू जनरेशन के पैसा कमाने के लिए कोई और दूसरा रास्ता है क्या? कहां से पैसा लाते हैं हम लोग? जवाब देना। मैं तुझे अब क्या जवाब दूं, वैसे भी तुझे समझाकर कोई फायदा नहीं है। तू एक काम कर, ये टॉपिक को बंद कर दे यार। दीदी ने जहां पर बोला था हम वहां पर आ गए हैं। हेलो हेलो, क्या प्रॉब्लम है? सुनो मनु का एक मैसेज आया है। दिखाओ। मेरी मम्मी की हत्या हो गई है, मैं अभी उनके कब्जे में हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं मतलब अगर आपको कुछ लगता है तो बता दीजिए। एक काम करते हैं, जहाँ ये घटना हुई वहाँ चलते हैं। इसीलिए तो तुम लोगों को बुलाया मैंने। चलो। हाँ चल। हाँ चलो चलते हैं, जल्दी करो।
सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो। आज के बाद नो इमोशन, नो सेंटिमेंट्स, ओनली एक्शन। अब हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो। सुनो, तुम ठीक हो? चलो चलते हैं। अरे चलो ना, जल्दी चलो। नीति, तुम पुलिस को फोन करो। ठीक है। और तू माँ से मिलकर आ। और सुनो, पुलिस के आने तक ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? हेलो, हेलो सर। हाँ गुरु, मैं नीति बोल रही हूँ। अभी ना हम लोग एक प्रॉब्लम में फंस गए। हमारे घर में एक मर्डर हुआ है। हमें अभी गुरु की बहुत जरूरत है। मैं पुलिस स्टेशन आ जाती हूँ इसी वक्त। ओह ठीक है सर। हाँ मैं आ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। अभी गुरु कहाँ हो? मैं वहीं आ जाती हूँ सर। घर पर हो? हाँ चलेगा। ठीक है, मैं आकर मिलता हूँ। ठीक है, ओके ओके सर। सुनो, मनु का मिसिंग केस है। उसका मैसेज जो है वो हम सीआई के सामने रखेंगे। सीआई से मेरी अच्छी पहचान है। हमें इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो मुसीबत में है ये हम तीनों को पता है। हमें अभी इसी वक्त कुछ करना होगा। हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। चलो चलो। कहाँ जा रहे हैं? तुम आओ तो सही। मम्मी कैसी हैं? माँ बीमार है, वो तो दवा ले रही है। और कोई प्रॉब्लम नहीं? चलना चलो। ऐसा है क्या? तुम एक काम करो, जहां क्राइम हुआ उस जगह पर बारीकी से जांच करना, देखना कुछ छूटे नहीं। सुनो, फिंगरप्रिंट टीम और फॉरेंसिक टीम का अगर काम खत्म हो गया हो तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना, फिर मुझे फोन करना। बैठो, जहां क्राइम हुआ वो जगह मैं देखना चाहता हूं। हाँ बोलो नीतू, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सर, हमारे बगल वाले घर में एक मर्डर हुआ है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुम कैसे जानती हो? वो औरत हमारी पड़ोसी है ना, हम एक परिवार की तरह रहते थे सर। घटना की जगह देखने के बाद पुलिस को लग रहा है कि ये साफ साफ मर्डर का केस है। सर ये सिर्फ मर्डर नहीं है, उस औरत का 10 साल का लड़का भी मिसिंग है। उसके फोन से मुझे एक मैसेज आया था सर, ये रहा। ये देखिए सर मैसेज। सर सुनो, एक 10 साल का लड़का मिसिंग है जी। वायरलेस मैसेज पास करो। ओके सर। नीतू, तुम्हें उस लड़के ने मैसेज क्यों किया? सर मैं उसके बहुत क्लोज थी, उसके पास और कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है, इसलिए मुझे मैसेज किया होगा। उसकी मम्मी नाइट ड्यूटी के लिए जब भी जाती तो उस लड़के को हमारे घर पर ही छोड़कर जाती थी। वो मुझसे सारी बातें शेयर करता था सर, शायद इसलिए मुझे मैसेज किया होगा। और उसका पति? वो डॉक्टर था। दीदी उनके क्लिनिक में काम करती थी। दीदी की जिंदगी बहुत मुश्किल से कट रही थी सर। ये सब देखकर डॉक्टर ने उसकी बहुत मदद करने की कोशिश की थी। डॉक्टर और दीदी दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और फिर दीदी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे छोड़ा नहीं। डॉक्टर ने एक छोटा सा घर किराए से लिया और उसे रहने के लिए दे दिया, लेकिन डॉक्टर की वाइफ और बेटा दुखी हो गए थे। वो लोग बेंगलुरु में सेटल हो गए थे और उसके बाद डॉक्टर को हार्ट अटैक आया और वो गुजर गए। तब ये लड़का करीबन 2 साल का रहा होगा सर, और उनका और कोई है भी नहीं यहाँ पर सर। तुम डॉक्टर से मिली थी क्या? नहीं सर, डॉक्टर के मरने के 2 दिन के बाद ही वो हमारे घर के बगल में आके रहने लगे। डॉक्टर की पहली बीवी कहाँ है? सर वो भी मर चुकी है, उसे कैंसर हुआ था। उसका बेटा भी एक डॉक्टर है। इस वक्त वो कहाँ है? मैं नहीं जानती हूँ सर, ये सब दीदी ने हमें बताया था। ओके ओके। जो लड़का गायब है उसकी फुल डिटेल्स लेकर टीम ओपीडी को मेल कर दो। जी सर। और नीतू, उस लड़के की फोटो और जो मैसेज तुम्हारे मोबाइल में है वो भी इन्हें दे दो। ओके सर, इसमें मनु का फोटो है और मैसेज भी है, तुम साथ जाओ। ओके
आ जाओ। ठीक है सर, मनु को कुछ होगा तो नहीं ना? डोंट वरी नीतू, तुम बहुत बहादुर हो और साथ में इतनी तेज भी हो, फिर तुम नर्वस कैसे हो गई? आई एम ओके सर, आई एम ओके। हमारे डीजीपी ने ऑपरेशन बिग डैडी नाम से एक टीम बनाया है जिन औरतों और बच्चों पर जुल्म होता है उनको न्याय दिलवाने के लिए। टीम में रैपिड एक्शन फोर्स, 4 कमांडोज और उन्हें संभालने के लिए वेल ट्रेंड ऑफिसर्स हैं और हर एक जिले में एक एक टीम बनी है। और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि 7 केसेस में से 5 केसेस के विक्टिम्स को बचा लिया गया है। तो बाकी दोनों? उसमें एक केस लड़की की थी, 2 दिनों के बाद बीच पर उसकी लाश मिली। और हाँ, दूसरे केस में एक 3 साल की बच्ची थी, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला। सर तो फिर मनु? नीतू, पुलिस के लिए ये एक बस साधारण केस है। और हाँ, उस बच्चे का मोबाइल अभी भी एक्टिव है। यहां से सारे डिटेल्स हमने भेज दिए हैं, अब टीम ओबीडी फोन को ट्रैक करके उस जगह को जल्दी ही ढूंढ लेगी और उसके बाद हम अपराधी को पकड़ लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं चलती हूँ सर। नीतू, अगर उस लड़के का कोई मैसेज आए तो उसे रिकॉर्ड करना और फिर उसे तुम मुझे भेज देना। उस बच्चे के बारे में तुम्हें कुछ भी पता चले तो तुम वहां डायरेक्ट मत जाना, क्योंकि वहां बहुत खतरा होगा। इसलिए जो भी जानकारी मिले वो तुम मुझे बता देना, क्योंकि जहां तक मैं समझ रहा हूं यह काम जिसने भी किया है वो पक्का प्रोफेशनल है। अगर ये ऑपरेशन तुम लोग डायरेक्ट करोगे तो तुम्हारी और उस बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। बी केयरफुल। ओके सर, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। मैं चलती हूं। उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? सर वो मेरी दीदी हैं। और ये? ये तो मेरा दोस्त है। ये तो हमारे केस में पहले से ही फंसा हुआ है। सर ये गांजा लेके बाइक पे जा रहा था, मैंने ही से पकड़ा था सर। नहीं सर, वो दूसरे की बाइक थी। चलो जा। थैंक्स सर। चलो। हाँ क्या भी दो नवीन, मनु के केस में हमें थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर चुके हैं और घर में बैठे नहीं रह सकते। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं चैन से जी नहीं पाऊंगी, इसलिए हमें कुछ करना होगा। हम तीनों मिलकर कुछ कर सकते हैं, मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरी मदद करो। एक बात बताओ, हम लोग उसे कहाँ और कैसे ढूंढेंगे? मैं भी वही सोच रही हूँ, कहाँ से शुरू करे को समझ में नहीं आता। मैं क्या करूँ बताओ ना। एक रास्ता है, पर एक ही रास्ता है, गुरु। कौन है ये गुरु? तुम तो जानते हो मगर तुम उसे नहीं जानती। वो मेरा बहुत ही बढ़िया दोस्त है, बहुत ही स्मार्ट है। पुलिस हम लोगों से क्या क्या पूछने वाली है ये सारी बातें उसने मुझे पहले बता दी। क्या वो क्रिमिनल है? ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी बड़ा है। चलो तुम स्कूटी निकालो। चाबी दो। ये है गुरु का घर, चलो। गुरु कहाँ है? अंदर है, आइए ना आप लोग। हेलो हेलो डूड। नीतू कुछ और मत समझना, यही है वो गुरु। हेलो। हाय। ये है नवीन। हाय। और ये है नीतू, नवीन की सिस्टर। मैं नवीन से पहले मिल चुका हूँ, ये एक सिंगर है, इसका फैन हूँ मैं। थैंक यू। नीतू के बारे में सुना तो है पर मुलाकात पहली बार हुई। चलो वहां चल के बातें करते हैं। हाँ। आ जाओ।
तो बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों का? वो दरअसल अगर पूरी प्रॉब्लम पता हो तो ही बताना। मैं बताती हूँ। जरा वो मैसेज दिखाना मुझे। मैं इसे अपने फोन में फॉरवर्ड करूंगा और नीतू के फोन को ट्रैश कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतू ने मनु के फोन पर कॉल किया था पर उसने रिस्पांस नहीं किया। हाँ, लेकिन कॉल तो अटेंड हुआ था। कॉल टाइम है 1:33। हाँ, मैंने कई बार हेलो हेलो कहा था, इसीलिए शायद इतने मिनट्स दिखा रहा होगा। और कुछ नहीं, बात नहीं हुई थी मेरी। कॉल उसने कट किया था क्या? नहीं, वो कॉल कट हो गया था। तो तुमने उसे वापस फोन नहीं किया? नहीं, तब तक नवीन और इशाक आ गए थे। ओके, एक काम करो, मनु का नंबर मुझे लिख कर दे दो। ओके, लो। तुम तीनों एक जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। ओके। अभी हम एक मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। नीतू के फोन में मैसेज आए, 57 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हमें करना क्या है? तुम लोग यहाँ से सीधे जाओ, सिग्नल क्रॉस करके बाईपास के पास मेरा वेट करना। सो इन नेक्स्ट 20 मिनट्स मैं मनु के फोन को ट्रैक करता रहूंगा। जैसे ही हमें सिग्नल मिला हम उसे फॉलो करेंगे। ओके, बाय। सुनो, बाइक से नहीं कार से जाना। कार तो नीतू, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक कार है। तेरे पास कार कहाँ से आ गई? अरे है ना, तो चलना गुरु। ओके, अब 15 मिनट के बाद हम बाईपास पे होंगे। ओके, तुम अपना काम शुरू कर दो, चलो। अबे तू कौन सी कार की बात कर रहा है? तूने मेरी कार नहीं देखी क्या? जो तू बीच पे लाया था वो वाली लाल कार की बात कर रहा है? हाँ, बड़े भाई की गाड़ी है वो। उस कार से जाएंगे ना तो कार से उतरकर पैदल चलना पड़ेगा। नीतू, कार में बस थोड़ा सा पेट्रोल ज्यादा डालना पड़ता है, बस यही कंडीशन है, बाकी बहुत बढ़िया कंडीशन है। वो पुराने मॉडल की कार है इसीलिए ना, बाकी सब तो ठीक है। वैसे भी इस वक्त हम नई कार कहां से अरेंज करेंगे? ओके, एक काम करो, तुम दोनों जाकर इसके घर से कार लेकर आओ। मैं घर जाकर मम्मी को देख कर आती हूँ और उन्हें दवाई भी दे देती हूँ। उन्हें बिना वजह बहुत चिंता होने लगती है, इसलिए जाना ही होगा। वो बेकार में बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है इसलिए। ठीक है, जाओ। नीतू, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, समझ गई ना? मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी। तू बाइक को वहां लगा दे। तू यहीं रुक, ठीक है? ओ मेरा प्यारा बेटा, गाड़ी की चाबी लेकर जा रहा है। अरे शामत, वो वहां मुझे कुछ फोटोज लेने जाना है। थोड़े दिन पहले कार लेकर गया था, तब फोटो नहीं ली? वो तो बीच पे खींची थी ना, अब तो हम लोग पहाड़ पे जाएंगे और वहाँ पर बहुत बढ़िया लाइट है। तू उस कार को कहीं ठोक मत देना बस, अगर ठोक दिया तो देखना क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, ये मनहूस बातें करना बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनो, 10 बजे से पहले नहीं आया ना तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। कोई बात नहीं, मैं खुद ही खोल लूंगा। अबे कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होने से पहले हम यहां से निकल लेते हैं।
ये नीतू अभी तक नहीं आई। अरे आ जाएगी। अबे कहीं ये गाड़ी कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। तू कैसी बात कर रहा है? तू इस गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। जानता है मेरे पिताजी ने ये मेरे भाई को फर्स्ट क्लास पास होने के लिए दी थी, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था उसने, और आज तक इस गाड़ी को एक खरोंच भी नहीं आई। ये गाड़ी इतनी पुरानी है कि अगर गलती से ठोक दी ना तो इस पे कोई एक रुपया भी खर्च नहीं करने वाला, उल्टा इसे ले जाके कबाड़ खाने में बेच देंगे। समझ गया? ठीक है, वो देख दीदी आ रही है। अच्छा सुन, गेट के पीछे गाड़ी पार्किंग में लगा देना। क्या यही वो कार है? पहले दरवाजा तो बंद करो, अब तुमको इसका इतिहास सुनाता हूं। भी आती हूं। हाँ लेकिन जल्दी आना, इसके इंजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पता नहीं अभी से बीच रास्ते में क्या हो गया। चलो क्या यार, तूने बोला था कि गुरु 20 मिनट में फोन करेगा, आधे घंटे हो गए उसका फोन नहीं आया। उस गुरु ने आज तक किसी मिसिंग केस में किसी को ढूंढकर निकाला है? क्या बात कर रही हो, बहुतों को ढूंढ निकाला है, खास करके लड़कियों को। वो लड़कियां भी जो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होती हैं, और उनके बॉयफ्रेंड्स को भी ढूंढा है। एक बार एक मैडम थी, उसकी फ्रेंड की बेटी एक स्टूडेंट के साथ भाग गई थी, फिर गुरु ने सॉफ्टवेयर से उसे ट्रेस किया और उसे ढूंढ निकाला। चाहो तो किसी से भी पूछ लेना। एक बार एक लड़की ने फोन स्विच ऑफ कर दिया था और वो लड़की ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर जा रही थी, पर गुरु ने स्टेशन पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लिया। ऐसे कितने ही लोग होंगे जो बदनामी के डर से पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं करते, ऐसे को भी गुरु ने सॉफ्टवेयर से ढूंढ लिया। गुरु को सॉफ्टवेयर मिला कहाँ? बताता हूँ, मोबाइल फोन को ट्रेस करने वाले और साथ ही जो गुनाह करके मुजरिम भाग गए होते ना, उन्हें पकड़ने के लिए अल्ताफ लैपटॉप यूज करने वाला सिर्फ ये एक ही बंदा है पूरे इंडिया में। अबे तू ना बिल्कुल पागल हो गया है, वो कहीं का जेम्स बॉन्ड है क्या? बड़ा आया गुरु। गुरु उसका असली नाम है क्या? हाँ, लेकिन उसका नाम है गुरु प्रसाद। हाँ? अबे यार, लेकिन तू तो अल्ताफ लैपटॉप की बात कर रहा था ना, उसका क्या हुआ? अबे सुन रे, उसके लिए जीके चाहिए, जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। समझ में आया? पागल कहीं ठीक से बात कर तू। गुरु का फोन है। हेलो। हाँ गुरु। हेलो हेलो। हाँ नीतू। हाँ बोलो। स्पीकर लगाना। हाँ गुरु बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलो। हाँ मैंने मनु के फोन को ट्रैक कर लिया है, फोन अभी विरार से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे किसी रोड पर है। थोड़ी
थोड़ी देर में वो गुजरात पहुंच जाएगा। अगर तुम लोगों को उसे पकड़ना है तो जहां तुम लोग इस वक्त खड़े हो वहां से वो दूरी 103 किलोमीटर है। तुम लोग कितनी भी तेज गाड़ी चलाओगे लेकिन एक घंटे में उस तक नहीं पहुंच सकते। वैसे भी तुम लोगों को वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी और गाड़ी को ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी, और दूसरे स्टेट में पहुँच कर तुम तीनों कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए अभी तुरंत क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा। क्या ये बात हम पुलिस को बता सकते हैं? नहीं, हम लोग पुलिस को नहीं बता सकते क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर से मैंने उसके फोन को ट्रैक किया है वो सॉफ्टवेयर इलीगल है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पुलिस ने ऑलरेडी उसके फोन को ट्रैक किया हो। गुरु, अब हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग घर वापस आ जाओ, आगे का प्लान मैं बताऊंगा। ठीक है गुरु, चलो हम उसी के घर पे चलते हैं। उसके घर जाना जरूरी है क्या? हमें तो काम करना है, वो क्या कहता है ये तो जानना पड़ेगा। क्या जान लेंगे, उसे जो बताना था वो उसने बता दिया है, अभी हम क्या कर सकते हैं तुम बताओ। ए, मनु के फोन से एक व्हाट्सएप आया, देखो देखो देखो। तुम इसे अभी के अभी एसआई साहब को भेज दो। चलो इसे हम गुरु को जाकर दिखाते, चलो। अरे जल्दी करो ना। हाँ चले क्या? रुको रुको रुको, गाड़ी रुको। हे, वहां चेकिंग हो रही है, पकड़ेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे तू घबरा मत, आगे ही चल, देखते हैं क्या होता है। रुको 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 रुको, गाड़ी से बाहर आओ, गाड़ी चेक करनी है। क्या हुआ सर, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि बिना इन्फॉर्मेशन के पुलिस गाड़ियां चेक नहीं करती है क्या? नहीं सर, पुलिस तो हमेशा ड्यूटी करती है सर। क्या बात है सर? इसी शहर के हो क्या? हाँ सर। तभी चर्बी बहुत ज्यादा है। अरे ऐसी बात नहीं है सर, आप चेक कर लीजिए ना सर, चेक कर लीजिए। हमें क्या बेवकूफ समझते हो? क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है? नीचे देख। अच्छा ये क्या? हाँ यही सर, ये तो खाली है, कल रात को ही खत्म हो गई थी, पूरी खाली है सर। खोलो इसे। ए, चाबी ले क्या? हाँ सर बोलिए। हाँ सर, हाँ ठीक है सर, वो फोटो मुझे व्हाट्सएप कीजिए सर। हाँ सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सर। ओके सर, थैंक यू सर। ए, 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 गाड़ी रोको। ए, ए, स्टॉप। वो बोतल लेकर जाओ भाई। जल्दी चल, जल्दी चल। लगता है यही कार है, इसे रोकना होगा। ए, रोको रोको रोको। ए, ए, गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी, उस गाड़ी का पीछा करो। क्रिमिनल्स हैं मावाली साहब, चलो जल्दी 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 करो।
ये फोन पे व्हाट्सएप मैसेज आया है। मैं इस पिक्चर को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग वहां बैठ जाओ। अभी तक ये केस ऐसा लग रहा था कि कोई लवर के साथ भागा है या अपने घर से भागा है। इस केस में मुझे कोई चैलेंज नहीं मिल रहा था, पर ये केस थोड़ा डिफरेंट तो है। इसमें एक साथ दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, फर्स्ट ब्रूटल मर्डर और दूसरी किडनैपिंग। सच कहूं तो ये चैलेंजिंग काम है। उस बच्चे की जान बचाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम लोगों को भी मेरा साथ देना होगा। अब ये बताता हूं कि तुम्हें यहां क्यों बुलाया। ओके, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम लोगों को नाम से पुकारूंगा। हो सकता है तुम में से कोई मेरा सीनियर भी हो, पर इस वक्त हम सब बराबर हैं। ओके, ये वो मैसेज है जो मनु ने अपने फोन से नीतू के फोन पे किया था। बिल्कुल ऐसा ही मैसेज मनु ने तुम तीनों के फोन पर किया होगा, और वो मैसेज मैं देखना चाहता हूँ। व्हाट्सएप, मैसेंजर, यहाँ तक कि टेक्स्ट मैसेज भी। वो फोन यहाँ दो। ईशान, तुम क्यों नहीं देख रहे? वो लड़का मुझे मैसेज नहीं करेगा। वो क्या है ना, मेरी उसके साथ पटती नहीं है ना, इसलिए। उसने इसको बेवकूफ बनाना चाहा, पर उसने इसको बना दिया। और फिर उसके बाद इसको ना ढेर सारी गालियां भी सुननी पड़ गई। मनु का मैसेज इस फोन में देखो। यस, दिस मैसेज इज रिटन इन इंग्लिश। नवीन, तुम्हारे फोन में मनु का कोई मैसेज नहीं है क्या? ये देखो, ये क्या मनु का मैसेज है? देखो नवीन, ये मैसेज भी इंग्लिश में ही है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी स्टेज पर उसने ये मैसेज क्यों भेजा। वो किसी और भाषा में भी भेज सकता था। लेकिन ये मैसेज मराठी में है। ये नवंबर 1 तारीख को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने पेटिशन डाला था। ये मराठी भाषा में है, लेकिन वो महाराष्ट्रीय नहीं था। इससे एक बात क्लियर होती है, उसे मराठी भाषा नहीं आती थी। ये लो, इसमें जो भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो बराबर इस्तेमाल किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये मैसेज किया है उसे इस भाषा के बारे में पूरी नॉलेज है। ये भी हो सकता है कि ये मैसेज मनु के कातिल ने ही किया हो, और ये भी हो सकता है कि मनु ने मौका देखते ही ये मैसेज किया हो। हाँ, तो मनु ने ये मैसेज भेजा, ऐसा तुमने ही कहा था ना? हाँ बिल्कुल कहा था, पर ये मैसेज मनु ने नहीं भेजा है। तो क्या कातिल ने भेजा? वो कोई पागल थोड़ी ना जो ऐसा मैसेज भेजेगा। उसके पागल होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन वो बहुत शातिर है। कैसे चालाकी की होगी? वो मैसेज देखकर ही मुझे, आप लोगों को और पुलिस को ये सारी बातें पता चली है, वरना इस बात का पता किसी को भी नहीं चलता। बिल्कुल सही, अगर ये मैसेज हमें नहीं मिलता तो किसी को भी पता नहीं चलता। लेकिन अभी हम पुलिस के पास जाकर भी क्या करेंगे? उसका फोन मुंबई की सीमा से काफी बाहर जा चुका है। अगर हम लोग पुलिस के पास गए तो उन्हें उसकी लोकेशन क्या बताएंगे? दैट्स व्हाई कातिल इस वक्त सेफ है, वो सेफ जोन में ही गाड़ी चला रहा है। तो मनु के फोन से वो फोटो हमें उस कातिल ने ही भेजा होगा। सही है, वजह इस फोटो को देखो, किसी ने दूर से वैन का वाइट शॉट लिया है। ये फोटो मनु के किडनैप होने से पहले खींची गई है। वजह, किडनैप करते वक्त कोई ऐसी फोटो भला क्यों खींचेगा? और एक बात नोटिस करो, ये बैकग्राउंड हमारे शहर का ही है, तो किडनैपर ने मनु को किडनैप करने से पहले उसी के फोन से ये फोटो खींची होगी। जब तुम लोगों ने मुझे मनु का मैसेज फॉरवर्ड किया था, अगर उसी वक्त ये फोटो भी फॉरवर्ड कर देते तो मैं गारंटी देता हूँ 1 घंटे के अंदर पुलिस इस वैन को पकड़ लेती। तो फिर उसने इतना रिस्क लेकर ये फोटो सेंड क्यों की? यही तो सोचने वाली बात है कि उसने ये फोटो सेंड क्यों की। क्या वो ये बताना चाहता था कि वो किडनैप करने वाला है? कातिल ने फोटो और मैसेज भेजा है, वो भी मेरे फोन पर। मनु है तो इट्स ओके, क्योंकि उसे लगता होगा कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन ये कातिल, वो ऐसा क्यों करेंगे? नीतू, तुमने मनु को फोन किया था, क्या उसने तुम्हें कॉल बैक किया था?
नहीं, आज मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। मैं अपने काम में बिजी थी इसलिए उसे फोन नहीं कर पाई। इससे एक बात तो क्लियर होती है, उस किडनैपर ने मनु को रैंडम कॉल तो नहीं किया होगा। उसने मनु के कॉन्टैक्ट्स को सर्च किया और नीतू को जानबूझकर मैसेज किया। इसका मतलब मनु को, नीतू को और तुम्हारे घर वालों को वो अच्छे से जानता था, इसलिए किडनैपर कोई बाहरी नहीं है। गुरु तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन वो आदमी फोन स्विच ऑफ ना करके फोन ऑन करके भला ये सब हमें क्यों बताएगा? वो आदमी शायद यही चाहता है कि कोई उससे पूछताछ ना करे। अगर वो फोन को स्विच ऑफ करेगा तो पुलिस उस फोन को 100% ट्रैक करेगी, इसीलिए उसने फोन ऑफ नहीं किया ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके, समझे? लेकिन वो ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहा है? उसकी कोई भी हरकत बेवकूफी वाली नहीं है नीतू। हमारे पास इस बात का जवाब नहीं है कि वो ऐसा आखिर क्यों कर रहा है, लेकिन उसने जो भी किया उससे कुछ बातें तो क्लियर हुई हैं। इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ मैं ही जानता हूं, जैसे कि ये फोटो कहां ली गई है। ये कौन सी जगह है? नवीन के घर के पास। नवीन के घर से मेन रोड की तरफ जाते वक्त रेलवे ट्रैक क्रॉस करने वाला रास्ता है, उस तरफ जाने वाले रास्ते में ही ये गाड़ी खड़ी थी। ये वही जगह है। वही जगह तू यकीन से कैसे कह सकता है? वेरी सिंपल। वो देख, वैन के पास में जो बैकग्राउंड में वो बोर्ड लगा हुआ है ना, वो बोर्ड टेनेंट्स का नहीं है, पंचायत के द्वारा लगाया हुआ बोर्ड है। हमारे एरिया में सिर्फ एक यही बोर्ड है। अभी तक हमने ऐसा बोर्ड नहीं देखा है। अरे याद नहीं है क्या तू और मैं बारिश में बाइक स्केटिंग कर रहे थे, तब तूने बोला था ना कि 4000 का जींस दिलवाएगा मुझे, याद है कि नहीं? मैंने नहीं बोला है ना, जींस की बात क्यों कर रहा है तू? अगर तुझे याद नहीं है तो जाने दे, वो सीन उस बोर्ड के पास ही है, सेम स्पॉट पे वही गाड़ी खड़ी है। ठीक है, तो हमें उस जगह लेकर चलो। सही है, कोई तो क्लू जरूर मिल जाएगा हमें, चलो। ए, सीआई का फोन है। हेलो सर। हाँ नीतू, पुलिस उसके फोन को ट्रैक करके उसे फॉलो कर रही है। पुलिस और उनके बीच में आधे घंटे का गैप है, लेकिन जल्दी ही वो पकड़ में आ जाएगा। इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर वो लोग मूव कर रहे हैं। वो लोग ज्यादा तेजी से नहीं भाग सकते क्योंकि रोड बहुत खराब है। उनके पीछे जो पुलिस टीम है वो बहुत तेज है, वो उन लोगों को बहुत जल्द पकड़ लेगी। तुमने जो गाड़ी की तस्वीर भेजी है, हम उसके बारे में आरटीओ से पूरी जानकारी ले रहे हैं। सर मनु, डोंट वरी नीतू, क्रिमिनल्स को पकड़ने से ज्यादा पुलिस विक्टिम को बचाने के बारे में सोचती है। अगर मनु जिंदा है तो उसे वो लोग सही सलामत लेकर आ जाएंगे, विश्वास करो। थैंक यू सर। वैसे हमें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करनी पड़ेगी, और जैसे ही हमारा काम खत्म होगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके ओके सर, थैंक यू। देखो, इसने जो जगह बताई है वहां पर जाना जरूरी है क्या? जाना जरूरी है, सच जानना जरूरी है। तुम लोगों ने इंस्पेक्टर की बातों पर ध्यान दिया? अगर मनु अभी भी जिंदा है तो हम उसे सेफली लेकर आएंगे। उन्होंने जब ऐसा कहा तो उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि वो जिंदा है या नहीं, पर मुझे एक बात का यकीन है, उसका जिंदा होना पॉसिबल नहीं है। यस, मनु इज नो मोर। मैं उस स्पॉट को देखना चाहता हूं, चलो। लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है, पीछे देख। कौन वो? देखना पड़ेगा, कहीं वो पुलिस तो नहीं है।
ये भी आ रहा है क्या? हाँ ये तो पीछे ही पड़ गया है। तू गाड़ी चलाता रहे। एक काम कर, गाड़ी को आगे कहीं चाय की दुकान पे रोक जरा। चाय पीनी है क्या? अरे नहीं रे, हम दो लोग हैं, टेंशन किस बात की है? दो चाय देना जरा। इस गाड़ी का माइलेज कितना है सर? क्या स्टाइल है, क्या स्पीड है, ये गाड़ी हमें दे सकते हैं क्या? अरे कैसा आदमी है, बिना बोले जा रहा है, मुंह में आवाज नहीं है क्या? गूंगा कहीं का। किसी भी तरह वो चीज स्विच ऑफ नहीं होनी चाहिए। हमारे प्लान हाँ। के मुताबिक चलो, कुछ भी हो हाँ। मुंह मत खोलना, समझे? ठीक है भाई। एक बात ध्यान रखना, पुलिस हमारे पीछे है, सावधानी से। हाँ ओके। ए, चल बे। (Phone rings)
सर, इस समय हम लोग विरार के आगे हैं, मैक्सिमम 15 मिनट के गैप में। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक मोड़ है, बहुत ही सकरा है वो, उनके क्रॉस करने से पहले हम अटैक कर देंगे सर। 1 घंटे में फोन करके आपको रिपोर्ट देते हैं सर। ओके सर, ठीक है सर। हाँ, क्या ये अब क्या करे सर, आप हर 2-2.5 घंटे में गाड़ी रोक देते हैं और मुझे लग जाती है। कमांडोज हो कमांडोज। इस समय वो लोग चढ़ाई उतर रहे हैं, सकरे मोड़ पर पहुंचने से पहले हमें उन्हें खत्म करना होगा। एवरीबॉडी रेडी फॉर एन एनकाउंटर? यस सर। ओके कम ऑन, रेडी फास्ट। अलर्ट, गेट रेडी। यस सर। वो यहीं कहीं होंगे। तस्वीरें भेजी है उसमें वो वैन है। यस सर। रिवर्स।
सर्च। लोग निकल गए यहाँ से। ओ, और विक्टिम? वो भी सर, सिर्फ वैन है यहाँ पे और एक फोन है। उस वैन के बारे में पूछताछ की? पता किया। गौमुख थाने क्षेत्र से 2 दिन पहले गाड़ी चोरी की हुई है सर। और कुछ मिला? नहीं सर। केस के बारे में जो भी जानकारी मिले मुझे तुरंत रिपोर्ट करना। ओके सर। सॉरी सर। ए चायला,
यही वो जगह है, आ जाओ। गुरु ये रहा वो बोर्ड। ये मनु का है क्या? पता नहीं, ठीक से कह नहीं सकती। ईशान, बोर्ड के पास जरा गाड़ी लेकर आओ। हाँ ठीक है। नीतू, लगता है मनु ने इस एंगल से फोटो लिया था। गुरु, स्टॉप द शूट। तुमने कहा मनु अभी जिंदा नहीं है, फिर ये ड्रामा क्यों? तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो क्या? नीतू, जैसा तुम सोच रही हो वैसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। इस जगह से बहुत सारे राज खुल सकते हैं, पर तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। कातिलों का टारगेट था मनु की माँ की मौत, शायद वो लोग कुछ छुपाना चाहते थे। इन बातों का आपस में कुछ तो कनेक्शन लगता है। मनु को किडनैप करने से पहले उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा ऐसा नहीं लगता। वजह है, दिन भर गाड़ी को ऐसे पार्क करके रखने की कोई बेवकूफी नहीं करेगा, इसलिए प्री प्लान नहीं लगता। किलर ने खून करते वक्त उस लड़के को शायद देख लिया होगा, और ये भी हो सकता है कि गाड़ी से उतरते ही उन्होंने मनु को देख लिया हो और उसे किडनैप कर लिया ताकि वो शोर ना मचा सके। मैं ये सब तुम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कह रहा, ये 100% फैक्ट है। किडनैप होते समय उसने स्ट्रगल किया और इसीलिए उसके पैर का एक जूता वहाँ झाड़ियों में गिर गया। नीतू, मैं बातों को घुमाऊंगा नहीं, अब मेन पॉइंट पर आता हूँ। किलर ऐसा भी कर सकता था कि मनु को किडनैप करने के बजाय उसे उसी वक्त वहीं मार देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। पर एक वजह ये भी है कि वो मनु को किडनैप करके आखिर कितनी दूर तक अपनी गाड़ी ले जाते। वो लोग आराम से हमारे स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि मनु उनकी गाड़ी में नहीं है, मुझे तो यही लगता है। इस रोड के एंड में दो रास्ते जाते हैं, लेफ्ट में मेन रोड और राइट में क्रॉसिंग, और उसके बाद पड़ता है बाईपास। मुझे नहीं लगता कि वो लोग क्रॉसिंग की तरफ गए होंगे, उसकी वजह है मेन रोड से जो रास्ता बाईपास की ओर जाता है वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर लंबा रास्ता है, और तो और इन दोनों रास्तों के बीच में से जो जंगल गुजरता है उसका रास्ता तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा है, और उस जंगल से पैदल निकलना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन हमें उस जंगल के अंदर जाना होगा, मनु को ढूंढने का और कोई रास्ता नहीं है। नीतू को हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ, अपनी माँ का ख्याल रखो। हाँ चलो हम लोग चलते हैं। हाँ। नहीं गुरु, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ, मुझे वहाँ से अपना स्कूटर भी तो लेना है। ठीक है, गाड़ी में बैठो। अच्छा सुनो, कुछ प्रोग्रेस हो तो मुझे बताना। ठीक है। सुनो, हाँ? तुम अपनी बाइक लेके पीछे पीछे आओ। लेकिन क्यों, तुम्हारी सोच सही निकली है क्या? सोच तो सही है, पर अभी प्रैक्टिकल करना है। तू जाके बाइक लेके आना यार।
सर कुछ पता चला क्या? यस, यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो जंगल का झील मिलेगा। उसके साथ साथ 20 मिनट चलेंगे तो एक ब्रिज दिखेगा जो लगभग 10 फीट का है। वहाँ कुछ लोग दिखे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उधर जाना ठीक नहीं है क्योंकि जंगल बहुत ही खतरनाक है, वहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को आगे जो भी कार्रवाई करनी होगी बहुत ही सावधानी के साथ करनी होगी। कहिए सर, हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन, कम ऑन गाइस। भाई वो 5 दिनों के बाद भी वो लड़की आएगी क्या? वो आएगी है? हमसे बच के कहाँ जाएगी? आना ही पड़ेगा उसे। आ जाएगी, आ जाएगी। तुम पे कोई रहम नहीं कर सकता मैं। बता, बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है? मैं बोल बोल। चुपचाप बता दे वरना तुम दोनों को कीड़े मकोड़ों की तरफ मार दूंगा। बताता हूँ सर, सब कुछ बताता हूँ। हेलो सर, मनु मिला क्या? नीतू, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मनु की लाश कसारा घाटी के पास वाली जंगल से बरामद की गई है। उसकी लाश एक बोरी में थी। बॉडी अभी कसारा के सेंट्रल हॉस्पिटल के मोर्चरी में है। कल रात हम लोग बॉडी को लेकर यहाँ आएंगे। हेलो नीतू, सुन रही हो? हेलो,
गुरु। हाय नीतू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मनु कहाँ है? देखो, अगर फालतू कन्वर्सेशन में मैं टाइम वेस्ट करूंगा तो ऑडियंस को बोर लगेगा। गुरु, मनु कहाँ है? उसे क्या हुआ? बताता हूँ, पर उससे पहले मुझे एक बात का सही से जवाब दो। जब मनु का घर इस जगह से काफी दूर था तो तुम उसे ढूंढने इस ब्रिज पर क्यों आई थी? सीआई ने मुझसे बात की, ये बात तुम कैसे जानते हो? सॉरी नीतू, वो इंस्पेक्टर मैं ही हूँ। तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए मैंने तुम्हें फेक कॉल किया था। ये बताओ, तुम मनु को इस ब्रिज के नीचे आखिर क्यों लेकर आई थी? ये बात तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। देखो, तुम्हें मुझे जवाब तो देना ही होगा, अगर मुझे नहीं तो फिर पुलिस को। देखो नीतू, मैंने अब तक तुम तीनों का साथ दिया है, मुझसे कुछ छुपाओ मत। प्लीज कोऑपरेट विद मी नीतू। तुम कैसे जानते थे कि मैं यहाँ आऊंगी? जब पहली बार तुमने मुझे अपना फोन दिया और उसके बाद व्हाट्सएप से जब तुमने मुझे वो इमेज दी, वो दोनों चीजें सेम नंबर से ही फॉरवर्ड की गई थी। मैं पहले से ही जानता था कि इस सब के पीछे तुम ही हो। अब मुझे सच सच बता दो कि आखिर क्या हुआ था। नीतू, अगर तुम चुप रहोगी तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। गुरु, ये मेरा काम है, मेरे लिए उन लोगों ने ये काम किया है, सिर्फ मेरे लिए। तुम्हारे लिए? हाँ, बताती हूँ। अभी चुप रहने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं टेंशन नहीं लेना चाहती। अगर अभी मैंने ये सब छुपा कर रखा तो मेरा दिल फट जाएगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पर तुमने ऐसा क्यों किया नीतू? नीतू, आ जाओ। माँ ने कहा दीदी से मिलने के लिए, बात क्या है? बताती हूँ, तुम बैठो। हाँ, मैं जानती हूँ तुम कहाँ गई थी। ओह, आपने मुझे देख लिया, यही बात करनी थी ना? मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी मुश्किल जिंदगी जी रही हो, उसका अंजाम क्या होगा पता है? अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। मैं जानती हूँ दीदी, ये सब जानकर ही हम इस राज्य में ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा, सिर्फ माँ नहीं, दीदी और मेरे अलावा किसी तीसरे को पता नहीं चलेगा। दीदी, हमने आज तक जो किया है वो सब जेन्युइनली ही किया है, और मैं अच्छे से जानती हूँ ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, है ना? नीतू, दीदी के साथ कौन सा फ्रेंड रह रहा है इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। दो दिन बीत गए और मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन फिर अचानक एक दिन विवेक का कॉल आया और उसने कहा कि मुझे तुमसे जल्दी ही मिलना है। ये विवेक कौन है? विवेक, मैंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसका सिनेमाटोग्राफर है, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। विवेक मेरा बेस्ट फ्रेंड है,
बहुत अच्छा दोस्त। विवेक के थॉट्स, आइडियाज, कमेंट्स सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो बड़ा ही जीनियस है। लेकिन उस दिन मेरी मुलाकात जिस विवेक से हुई थी वो बिल्कुल ही अलग था। इसका क्या मतलब है? ये वही है मेरी जिंदगी का लक्ष्य। कौन सा लक्ष्य है? तुम्हारे इस तरह दीवारों पे पोस्टर चिपकाने से क्या वो लोग भाग जाएंगे? अरे तुम कहाँ और वो कहाँ, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमें ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है विवेक। विवेक मीडिया में न्यूज आएगी, लोगों में चर्चा होगी। मल्टीनेशनल कंपनी को भगाना है और देसी कंपनी को आगे बढ़ाना है, हमें मदद करनी होगी, ये हम कर सकते हैं। तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारी इस तरह की हरकतों से इस पूरे समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। तुम होश में आओ और अपनी इस पागलपन की जिंदगी से बाहर निकलो। सॉरी विवेक, मैंने ही चुना है अपने इस लक्ष्य को, अब वापस नहीं लौटूंगी। और तुम कह रहे हो ना कि ये सब कुछ पागलपन है, तो यही सही और यही मेरा लक्ष्य है। ओके, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हें जो फैसला लेना है वो लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अनजान लोगों को अपना दुश्मन मानकर उनसे लड़ना ये एक दिमाग का पागलपन है, समझी? और मैं इस तरह के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। गुड बाय। मेरे पिताजी की मौत के दिन के बाद मैं वापस उस दिन बहुत रोई थी। उसने मेरा दिल तोड़ा था, मुझे चोट पहुंचाई थी जो मैं आसानी से नहीं भूल सकती थी। मैं फिर से इस दुनिया में अकेली हो गई थी। ऐसा लगा जैसे मुझ में हिम्मत ही नहीं बची है। मैं सब कुछ भूलना चाहती थी, मैं उस डिप्रेशन से बाहर आना चाहती थी। मैंने लाख कोशिश की लेकिन मैं ये सब भूल नहीं पा रही थी। और फिर अचानक एक दिन, नीतू लगता है बहुत बारिश होने वाली है, टेरेस में कपड़े सुखाए हैं तो जल्दी लेकर आ। जाना क्या सोई है? मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ तो मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए तुझसे कह रही हूँ। आज आप हमारे साथ देखेंगे आज का मुख्य समाचार। राजनीतिक गलियारे में आज बहुत उथल पुथल होने की संभावना लग रही है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि विवेक को मुझसे छीन कर एक सेक्स टॉय की तरह इस्तेमाल किया उस कमीनी ने। मैं उसे खत्म करना चाहती थी, मैंने सोच लिया था उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दिन रात मैं बस उसी के बारे में सोच रही थी। उस वक्त हमारे संगठन से एक आदमी बाहर जा चुका था जिसका नाम अशोक था। अशोक जंगल में जो लोग रहते थे उन्हें हथियार सप्लाई करने का काम करता था। इतना ही नहीं, वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता था। मैंने सोच लिया था कि उस क्रिमिनल से मदद लूंगी। रुको, मैं आता हूं। कहां जाना होगा? वो अंदर है, थोड़ा चलना होगा। इसे यहीं खड़ी कर दीजिए, इसे अंदर लेकर नहीं जा सकते। Thank you.
चलिए। ओके, तुम्हारे लिए ये काम हम जरूर करेंगे, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा है? मेरे पास पैसे हैं, तुम जितने पैसे मांगोगी मैं दे सकती हूँ। तुम चाहो तो पैसे तो बहुत ला सकती हो। इसलिए हमें पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन बदले में तो बताओ कि क्या चाहते हो तुम? और कुछ नहीं, अदला बदली कर लेते हैं। हम एक दिन पूरा तुमको देंगे ना, बदले में तुम एक रात हमें दे दो। जबरदस्ती नहीं है, अगर डील पसंद हो तो ओके करो। मेरे लिए ओके? हाँ तो डील ओके। कल विपिन तुमसे मिलेगा तो उसके हाथों से उसकी फोटो और सारी डिटेल्स भिजवा देना, कभी भी काम आ सकता है। और हाँ, कोशिश करना है कि तुम उससे बाहर ही कहीं पे मिलो। टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। लेकिन जो तुमने अभी अपने मुंह से मुझसे बोला है ना, वो याद रखना, बोलना मत। हाँ ओके। तो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, मैं छोड़कर आता हूँ। उस वक्त उस डर्टी डील के अलावा मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस बात का एक दिन बीत चुका था और कुछ भी नहीं हुआ था। मैं दूसरे दिन का इंतजार कर रही थी। तो उस दिन तुमने उन लोगों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया था? नहीं, वो लोग मोबाइल फोन यूज नहीं करते। आज दोपहर में मनु का फोन आने तक नो कॉन्टेक्ट, कोई कॉल नहीं। तो तुमने उसके साथ उस दिन 33 सेकेंड्स बात की थी? हाँ। हेलो हेलो मनु। अरे मनु नहीं, मैं हूँ मैं। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? हम कर क्या सकते थे? इसे उठा के लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मार डाले क्या? नो, उसे कुछ मत करना प्लीज, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ देंगे तो हम तीनों के तीनों फंस जाएंगे, सोच ले। ए, क्या हुआ, कुछ तो बोल। तुम लोग उसे कहीं पर छुपा दो। कहाँ छुपा दें? कहीं भी, तुम लोग सेफ होने तक उसे कहीं भी छुपा दो, वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। हेलो हेलो,
अब बताओ मनु कहाँ पर है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? नीतू सच तो यह है कि मनु को कुछ नहीं हुआ। पिछले 3-4 दिन से वो ब्रिज के नीचे ही पड़ा था, तो उसे डिहाइड्रेशन हो गया था और कुछ नहीं। इस वक्त वो कहाँ पर है? ईशान और नवीन उसे हॉस्पिटल ले गए थे, कल उसे डिस्चार्ज कर देंगे। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, हम हॉस्पिटल चले क्या? नीतू अगर तुम हॉस्पिटल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम अभी के अभी कहीं सेफ जगह निकल जाओ। वैसे भी 1-2 दिन में पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी, आई एम श्योर। मैं जानती हूँ गुरु, मैं अपने लोगों को सब कुछ बता चुकी हूँ, वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। वो लोग मुझ तक पहुँचे इससे पहले मैं एक बार मनु को देखना चाहती हूँ, ये मेरे दिल की इच्छा है। ठीक है चलो। चलो उधर चलते हैं, रास्ता उधर से है। कहाँ? तुम जाओ मनु से मिलो, मैं उन लोगों से फोन पे बात करता हूँ। ठीक है? ठीक है। गुरु, नीतू मनु से मिलने के लिए आई है। नवीन कहाँ है? वो रूम में ही है, मैं ये देखकर आता हूँ। नहीं अभी मत जाओ, अभी यहीं बैठो, थोड़ी देर बाद जाना। आ जाओ। ये मुझे ब्रिज के नीचे एक मिनट गुरु। हेलो गुरु। नीतू पुलिस आ गई है, तुम जल्द से जल्द मनु के रूम से बाहर निकलो। हाँ तुम यहीं रुको। तुम हॉस्पिटल से निकलकर बाहर की ओर मेन रोड की तरफ जाओ, वहाँ ईशान तुम्हारा वेट कर रहा है। जैसे ही तुम बाइक पर बैठ जाना मुझे तुरंत फोन करना, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। ओके ओके नीतू, टेक केयर। थैंक यू गुरु। ब्रिज के पास, जल्दी। ठीक है चलो। सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, आगे तुम लोगों से कब मिल पाऊंगी ये नहीं जानती। नवीन को तुम सब कुछ बता देना, ये मैंने दिल से नहीं किया है। मैं चलती हूं, बाय।
नीतू को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, वो चली गई। इसे सब कुछ बता दिया ना? नवीन, अभी तुम घर निकलो। हो सकता है रात के वक्त पुलिस आए, तुम माँ को संभाल लेना। नवीन, आज अंदर आ जा। गुरु, कल रात मुझे चैन से नींद नहीं आई। पूरी रात में नीतू के बारे में ही सोचता रहा गुरु। उसके बारे में जानने का कोई तो रास्ता होगा ना, कि वो कहाँ गई है, कुछ तो बताओ मुझे उसके बारे में। उसका पता कैसे लगाएंगे, उसके पास तो फोन भी नहीं है, हम उसे ट्रैक भी नहीं कर सकते। गुरु, और कोई रास्ता है क्या? वैसे एक रास्ता है, आ जाओ चलो। जब तुम लोग चले गए थे, मैंने कुछ स्पाई वर्क किया था उस कातिल के बारे में जानने के लिए। देखो शायद कुछ काम बन जाए। तो क्या इसके जरिए हम नीतू के बारे में जान सकते हैं? हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? ये रेडियो ट्रांसमीटर है और इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। नीतू उस रेंज में हुई तो पता चल जाएगा। यस, नीतू हमारे घर की लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं है, हम उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। क्या हुआ? ईशान ने नीतू को ब्रिज के पास छोड़ा था। हाँ? और ये सिग्नल भी ब्रिज के पास से ही आ रहे हैं। लेकिन वो तो गाड़ी में गई थी ना, ये मैंने खुद देखा था। नवीन चलो, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, हमें वहां चल के देखना होगा। सुन, मैं ड्राइव करता हूँ। ठीक है। यहां नहीं तो वो इस ब्रिज के नीचे हो सकती है। हाँ चलो। ईशान, ईशान, जल्दी आ, ये देख। ओ,
हेलो हेलो पुलिस स्टेशन हेलो सर